હવે જોઈશું સમાચાર વિસ્તારથી. દાદરાનગર હવેલીના સાલવાસ ખાતે આવેલી એક મદ્રેસાના મૌલવીએ મદ્રેસામાં અભ્યાસ કરતી 17 વર્ષીય સગીરા સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાની ફરિયાદ સાલવાસ પોલીસ મથકે નોંધાવવા પામી છે. ઉમરગામ તાલુકાના એક ગામ ખાતે રહેતા મુસ્લિમ પરિવારે પોતાની 17 વર્ષીય દીકરીને અભ્યાસ માટે સાલવાસના મદ્રેસામાં મોકલી. આ મદ્રેસાના મૌલવીએ સગીરા સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાની જાણ થતા તેના માતા પિતાને સગીરને લઈને સાલવાસ પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે સગીરાનો મેડિકલ તપાસ કરવાની તજવીજ હાથ ધરી છે. આ અંગે વધુ તપાસ સાલવાસ પોલીસ કરી રહી છે. मेरा लड़की फ़ोन करी थी, मेरा लड़की फ़ोन करके बोली कि मेरी मम्मी मेरा तबीयत ख़राब है, जल्दी से आ जा. तो मैं आई उधर से, तो बोली कि मौलाना ऐसे ऐसे गलत काम किया है मेरा साथ में. तो आप क्या चाहते हो? मैं सोच रहा हूँ कि फांसी की सज़ा हो को उसका, बस. आगे भी कुछ कंप्लेन किया था इस मौलाना की? हाँ. नहीं नहीं, कभी नहीं किया है, पहली बार किया है. 4 साल से पढ़ रही है, कुछ भी नहीं कही. आज संडे के दिन घटना हुआ है ऐसे. ये लोग मेरा लड़की के दबाव डाल रहे थे, बोलते हैं कि झूठ बोल रही है, तू झूठ बोल रही है, फंसा रही है हम लोग के. मेरा लड़की बोली कि नहीं, झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच के साथ दूंगा. झूठ के क्यों साथ दूंगा? मेरा साथ में ऐसा हुआ तो मैं केस करूँगा, मेरे को NI मिलना चाहिए. लड़की की उम्र 16 साल का है मेरा ब्लड. तो ये जो खराब काम किया है मौलाना ने, तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? उसके बारे में फांसी की सजा होगा क्या, और क्या कहेंगे? फांसी होने के साथ भी ऐसा कुछ किया है उसने, ऐसा तो कभी? अब क्या पता करे होंगे, कोई भरोसा है? जब मेरा लड़की साथ में किया होगा तो किया होगा, कोई जान रहा है? सब लोग नहीं बोल रहे हैं, दबाव डाल दिया है सबको साथ में. हम लोग के साथ में दबाव नहीं डालेगा, मैं दबाव नहीं दबूंगा, नहीं भले कुछ हो जाएगा, दबने वाला नहीं हूँ. न्याय अलियान बोल रहे हैं कि रिपोर्ट आ जाएगा, तब रिपोर्ट के बाद होगा. आप तो माँ है, इसलिए कुछ सच्ची बात होगी, इस प्रकार का कुछ कहेंगे उसके बारे में कि रिपोर्ट सच है कि आपकी बात सच है, क्या कहेंगे उसके बारे में? सच है ना, झूठ थोड़ा नहीं है, सच है सब. सर लड़की मेरी 4-5 साल से पढ़ रही थी आलिमा की पढ़ाई 22 फलिया में. बच्चे लोग का, लड़कियों का मदरसा है आलिमा का, फातिमा अलीम उसको बोलते हैं अपने लफ्ज में. वो चला रही थी लेडीजे साली, खाली लेडीजे पढ़ाती है उसमें आपा लोग. उनके जो हेड थे, प्रिंसिपल उनको बोलते हैं, मौलाना बोलते हैं. अब मैं इंग्लिश में उनको प्रिंसिपल बोलते हैं, लेकिन उर्दू में मौलाना बोलते हैं. मौलाना वो उनके हस्बैंड संडे के दिन बच्चे लोग छोटे छोटे चले गए थे कुरान खानी में, और अकेले मौका हो, वो बड़ी बच्ची थी 16 साल की और छोटे 7-8 बच्चे पड़े थे. तो 12 बजे खाना खा के बच्चे तो है छोड़ जाए, छोटे है खाना खाए सो गए. उनको मौका मिला किसी बहाने से, मिशन वो बनाए पहले. वो तो 16 साल की बच्ची है, 16 साल क्या है, 15 साल होगा. मैंने आधार कार्ड में 1 साल इसका उम्र बढ़ाया था, वो 15 साल की बच्ची है सर. और उसको गुमराह किए, बुलाए, बेटा आओ अभी मेरी बेटी है 16 साल 15 साल की, आप 40 साल 38 साल के हो तो आप बेटी ही बोलोगे ना. बेटे क्या, उसको बापे मानती थी, सारी बच्चियाँ मानती हैं. बुला के गुमराह किया, बेटा मेरा सर दर्द करता है, थोड़ा इसमें दिल लगा दो, थोड़ा जू निकाल दो इसमें करके. तो करती थी, बच्चे सारे करते हैं, क्योंकि जो गुरु होता है आपको मालूम है, अपने को तो बताना नहीं, गुरु का कितना दर्जा बड़ा होता है, माँ बाप से भी बड़ा होता है. वो ज्ञान लेने गई थी उसके साथ, एक ऑटोमेटिक दरवाज़ा लॉक कर दिया, तो उसको तुरंत फेल हुआ. दौड़ी तो उसको धक्का मारे, बेड पे गिर गई, बेड पे थे, गिर गई तुरंत. ऑटोमेटिक दुपट्टा पहले से ऑलरेडी वो सेटिंग करके रखे थे, उसके मुंह में दुपट्टा डाल दिए. इसके बाद तो दुबली पतली लड़की हो कौन की, उसको 25 साल 30 साल 40 साल उम्र है, उसको फटना दोनों बाँ बेड में बांध दिए, उसके साथ में रेप किए. रेप करने के बाद 2 घंटे के बाद वो बेहोश थी. उसकी दोस्त लोग जब आलिमा करके आए तो सारे बच्चे लोग को उसने टॉर्चर किए जो उनके फेवर में थे, और लड़की को पैर पड़ रहे थे कि मेरे पास ये हो गया, जिन्नात आ गया, ऐसा हो गया, मैंने ऐसा नहीं काम किया, यानी उलझा रहे थे अरबी लफ्ज में. जब उसको कैद किए थे 2 दिन, उसको कैसी भी मौका मिला, उसके दोस्तों नवाज वाइज मौका मिला, बोली कि मैं अपनी बात सारा बात अपनी अम्मी अबू से बताऊँगी. फ़ोन तो मिल नहीं रहा था, बात भी नहीं करने दे रहे थे ये लोग.
इनकी मैडम भी आई जो पढ़ाने वाली। लास्ट में बात किसी तरह मोबाइल मिल गया ऑफिस में, दो मोबाइल इनकी औरत चलाती है जो मौलाना की है, जो अंदर कैद है। इनकी बीवी दो मोबाइल चलाती है, एक मोबाइल घर का एक बाहर के लिए निकल गई थी। किसी तरह बच्चे ने, छोटा बच्चे ने 23 नवंबर को हमारे सिलवासा पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेनेंट जो माइनर बच्ची है और उसके पेरेंट्स ने कंप्लेंट रजिस्टर कराई है, जिसमें बच्ची ने अपने साथ हुए दुष्कर्म के बारे में बताया था। उसको संज्ञान में लेते हुए हमने FIR रजिस्टर की है। FIR नंबर 229/21 रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 376 ऑफ IPC एंड सेक्शन 4 ऑफ पॉक्सो एक्ट। घटना की डिटेल इस प्रकार है। सिलवास्ता स्थित एक मदरसा बाविसा फलिया में, उसमें पढ़ाने वाले एक टीचर ने, जिसका नाम मौलाना शेख मोहम्मद तारिक है, उम्र 31 साल, रहने वाला उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल का है, उसने उस माइनर बच्ची के साथ बलात्कार किया है। और FIR के तुरंत बाद हमने उस व्यक्ति को अरेस्ट किया है। सर, नाबालिग है तो उसके लिए कुछ अलग से कोई प्रावधान और कुछ सेक्शन 4 ऑफ पॉक्सो एक्ट उसी के लिए लगाया है। मेडिकल रिपोर्ट में वो सारी प्रोसीजर करने के बाद ही FIR रजिस्टर हुई है।